अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जो थी वो एक मेरे रिलेटिव्स में एक बच्चा था, उसकी बर्थडे थी तो उसकी डिमांड थी कि मेरे लिए आप चॉकलेट केक बनाएं। मैंने उसके लिए चॉकलेट केक बेक किया है और रेसिपी को मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ पेश कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, उनको मैंने छान लिया है और इसमें मैंने सब कुछ छान लिया, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, कोकोआ और फ्लोर। लेकिन मैंने इसमें अभी बेकिंग सोडा मिक्स नहीं किया क्योंकि वो मैंने एयर में नहीं रखना था, उसको मैंने रेसिपी के दौरान ही शेयर करना था। अच्छा, फिर मैंने जो था बटर और चॉकलेट को मैंने 2 मिनट तक माइक्रोवेव किया और उसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट होने के लिए रख दिया। चूँकि चॉकलेट केक है तो इसमें चॉकलेट बहुत जाती है और जो मेरे पास रैपर जो तो उसका बटर का बचा था उससे मैंने उसको ग्रीस किया और शीट को भी ग्रीस कर लिया। अब जब जो चॉकलेट और बटर का मेज़र था वो मेल्ट हो गया तो उसमें मैंने आधा ग्लास दूध डाला ताकि इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए और ये ज़रा पतला भी हो जाए जो मिक्सचर था। फिर मैंने 3 अंडे लिए और उसको मैंने अच्छे तरीके से जो था वो बीट करना है। उसमें मैंने बहुत ही एयर बनानी है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बीट किया। इस दौरान मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डालना है, वैनिला एसेंस भी डालना है इसी दौरान, और पाउडर शुगर भी डालना है। नॉर्मल जो शुगर होती है वही मैंने डाली है, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनेगर मैंने डाले हैं ताकि उसका टेस्ट जो है अगर इसमें किसी चीज़ की ज़्यादा खुशबू आए तो वो कम हो जाए। बस इसको हमने फिर अच्छे से इसमें एयर बनानी है और बेकिंग पाउडर कोशिश करें कि आप उस टाइम डालें जिस टाइम आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि जब इसको हवा लगती है तो इसका जो इसकी जो कारकर्दगी होती है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके बाद मैंने जो मेल्ट किया था चॉकलेट और बटर को वो मैंने इसमें मिक्स किया और मिल्क बना के एक मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसमें मिक्स करना है अंडों के मिक्सचर में और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपको ये वीडियो फॉरवर्ड करके दिखाई जाती है तो इसलिए आपको ये बहुत तेज़ लग रहा होगा, लेकिन ये मैं बहुत हल्के हाथों से कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि जो एयर हमने इतनी कोशिश करके बनाई है वो इसमें से बैठ ना जाए। फिर ड्राई इन्ग्रीडियंट्स जो थे मैंने हल्के हल्के तरीके से इसमें मिक्स करना है और इसको पोर्शंस में इसमें डालना है। फौरन से आपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स नहीं डालने, इसको पोर्शंस में डालना है। जब एक सिफ्ट जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो दोबारा से आप इसमें ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डालें और इसमें ये बबल्स देखें बहुत अच्छे लग रहे हैं और इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। अच्छा, जब इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो फिर आपने आधा ग्लास तक हॉट वाटर जो है बिल्कुल बॉइलिंग वाटर लेना है और वो भी इसमें डालना है ताकि इसमें जो हमने सोडा डाला है ताकि उसको एक्टिवेशन के लिए ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, दही, सरका और गर्म पानी, ताकि वो एक्टिव हो जाए। उसमें जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे तरीके से इसमें अपना रोल अदा कर सके। तो बस ये ज़रूरी होता है, चंद टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं बेकिंग की, वो आपको सीखनी ज़रूरी होती है। अब मैंने इसमें गर्म पानी डाला, बिल्कुल हॉट वाटर, और इसको मैंने हल्के हल्के से मिक्स किया है। आपको फॉरवर्ड पे वीडियो है इसलिए आपको तेज़ दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपने बहुत हल्के से मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैंने तकरीबन 2 पाउंड तक मेरा मोल्ड था केक का, तो मैंने उसमें इसको ट्रांसफ़र करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकाना है। इसके बाद आती है इसके गनाज की बारी, हमने इसके लिए गनाज बनाना है, चॉकलेट गनाज। तो बस इसको मैंने बेकिंग पे रख देना है और जब ये बेक हो गया क्या आ गया है, और ये टूथपिक बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन अगर ये इस दौरान साफ़ ना भी हो तो ये एक चॉकलेट केक है, इसमें चॉकलेट होती है इसलिए इस तरह निकलते हैं। बस ये अच्छे तरीके से बेक हो गया था, मैंने इसको साइड पे रख के ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 200 ml ऑफ व्हिप क्रीम डालनी है। किसी भी ब्रांड की व्हिप्ड क्रीम ले लें और उसको बस चूल्हे पर रख दें और जब उसमें बबल आने लगे तो आपने उसमें 4 टीस्पून तक जो कोकोआ पाउडर होता है वो मिक्स करना है। फिर हमने इसमें मिक्स करना है बटर 1 टेबलस्पून तक, आइसिंग शुगर 1 कप और आखिर में 1 टीस्पून तक कॉफ़ी पाउडर। इसको अच्छे से इसका मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको एक चान की मदद से चान लेना है ताकि अगर इसमें कोई गिटली वगैरह हो तो वो जो हमारा गनाच है उसमें ना जाए। तो इसको मैंने 2 घंटे तक रेफ्रिजरेट करना है।
क्वांटिटी हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इस वक्त डायरेक्शंस समझने में हेल्प दे रही हूँ। बस ये मैंने इसकी बेकिंग शीट हटाई और फिर मैंने केक जब पलट के देखा तो इसमें इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी, इसकी जो भी इंग्रीडियंट्स थे उनकी एक्टिव खुशबू आ रही थी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा लेवल करना था तो जो इसकी उभरी हुई साइड थी वो मैंने हटा लिया, लेकिन इस केक को मैंने ज़ाया नहीं किया जो मैंने हटाया है। इसको मैंने इसका चूरा बनाकर अभी इससे मैंने केक को डेकोरेट करना है। और अब बारी आती है केक डेकोरेशन की गनाच से। तो मेरे पास जो भी चीज़ अवेलेबल थी मैं उससे इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और बस ये डेकोरेशन चल रही है इसकी। मैं इस पर पूरी तरह कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं अच्छे से डेकोरेट कर सकूँ। मैंने एक कार्ड की मदद से इन सबको लेवलाइज किया, जो एक्स्ट्रा उस पर चॉकलेट थी वो मैंने हटा ली। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब जो केक के जो एक्स्ट्रा मैंने लेयर हटाई थी उसके मैंने क्रम्स बना के उससे इसके साइडों को इस तरह डेकोरेट कर लिया और फिर ऊपर से बस मैंने इस पर चॉकलेट इस तरह से क्रश कर ली। और ये बहुत ही ज़बरदस्त केक तैयार है। तो आप इसको घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।